नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास टेंथ मैथ का ट्रिग्नोमेट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 3 से देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 तक देख रहे थे, यदि आप लोग नहीं देखे हो तो आपसे रिक्वेस्ट है पहले इस वीडियो को जाकर देखिए, तब एक्सरसाइज आप लोगों को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें कह रहा है कि प्रूव दैट साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू, हम लोग को प्रूव करना है 7 + 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे हम सॉल्व करेंगे इसको, तो एलएचएस से आएंगे, एलएचएस में है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम लोग क्या पता चल रहा है, यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ भी लग सकता है और यहाँ भी ए प्लस बी का होल स्क्वायर लग सकता है। यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करते हैं, पर इसको सॉल्व करते हैं। ए का स्क्वायर, ए है ये और बी है ये, ए स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा प्लस बी स्क्वायर करेंगे ये हो जाएगा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए यानी कि साइन थीटा इंटू बी कॉसेक थीटा प्लस, अब यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाइए, ए ये है और बी ये है, तो ए स्क्वायर यानी कि कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि सेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू ए यानी कि कॉस थीटा इंटू बी यानी कि सेक थीटा। आगे देखिए साइन थीटा का स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस देखिए 2 इंटू, देखिए साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 / cosec θ लिख सकते हैं। साइन थीटा कॉसेक थीटा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, तो साइन थीटा का हम क्या लिख सकते हैं, 1 / cosec θ लिख सकते हैं इनटू कॉसेक थीटा एज इट इज ऐसे ही रहने देंगे ताकि ये से कैंसिल हो जाएगा। फिर प्लस कॉस थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक थीटा का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 इनटू कॉस थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 / में सेक थीटा इनटू सेक थीटा एज इट इज। आगे देखिए यहां पे ये सेक थीटा यहां पे कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हम लोग को साइन स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2 × 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा प्लस ये 2 × 1 हो जाएगा 2। आगे देखिए यहाँ पे ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को हम एक साथ में लिखेंगे क्योंकि इसका आइडेंटिटीज क्या होता है, 1 होता है, रिजल्ट क्या होता है, 1 होता है, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस देखिए ये 2 और ये 2 तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा एज इट इज प्लस सेक स्क्वायर थीटा एज इट इज। आगे देखिए अब इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा, 1 + 4 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला यहाँ पे कौन सा लगा है इसको लिख लीजिए, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ये हो जाएगा 5 प्लस ये हो जाएगा हम लोग कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। दोस्तों देखिए जो रिजल्ट हम लोग को लाना था इसमें क्या था, 7 था, यहाँ पे 7 + 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे क्या है 5 आया और यहाँ पे सेक स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा तो यहाँ पे आया ही नहीं, इसको हम क्या करेंगे चेंज कर देंगे। देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 5 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा क्या ले सकते हैं, 1 + cot² थीटा ले सकते हैं प्लस सेक स्क्वायर थीटा को 1 + tan² थीटा ले सकते हैं। यहां पर मेंशन कीजिए इसको कि कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + cot² थीटा एंड सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan² थीटा। जो फॉर्मूला यूज है इसको बगल में मेंशन कीजिएगा कि 5 + 1 = 6 + 1 तो हो जाएगा 7 प्लस ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7 प्लस इसको पहले लिख लीजिए 10² थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा और ये दोस्तों किसके इक्वल है आरएचएस के, यहाँ पे लिखेंगे लास्ट में सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड।
आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिर से कह रहे हैं कि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छा से कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।